दोस्तों, कैसे बनता है ईयरफोन मोबाइल चार्जर? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल फोन के बिना आज हमारा घर से निकलना मुश्किल है, वो मोबाइल फोन काम कैसे करता है? मोबाइल फोन फैक्ट्री में बनता कैसे है? चार्जर और ईयरफोन किस तरह से बनाए जाते हैं? अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपके पास है तो इसे आप बेशक हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। आज हम आपके लिए इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फैक्ट्री से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप स्मार्टफोन की मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। साथ ही चार्जर और ईयरफोन की भी मेकिंग प्रोसेस के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आप मेकिंग प्रोसेस और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें। आइए चलते हैं स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फैक्ट्री की विजिट पर। नंबर 1, मेकिंग प्रोसेस ऑफ ईयरफोन। ईयरफोन को बनाने के लिए सबसे पहले कॉपर वायर का यूज किया जाता है। कॉपर के कई पतले वायर को एक साथ लेकर ईयरफोन का वायर तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें रबर कोटिंग की जाती है, इससे ईयरफोन के वायर की लाइफ बढ़ जाती है। इसके बाद ईयरफोन के वायर को एक स्टैंडर्ड साइज में काटा जाता है। इसके बाद बारी आती है ईयरपीस की, जिसके जरिए हम आवाज को अपने कानों में सुनते हैं। इसके लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है। एक कन्वेयर बेल्ट के सहारे ईयरफोन के ईयरपीस को एक मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, जो इन ईयरपीस में मैग्नेट फिट करती जाती है। ईयरफोन के बारे में माउथपीस और वॉल्यूम को कम ज्यादा करने की बटन भी लगाई जाती है। इसके बाद ईयरफोन में एक जैक लगाते हैं। 3.5 mm का जैक किसी भी मोबाइल फोन में फिट हो जाता है, इसलिए ईयरफोन को आप किसी भी मोबाइल में लगाकर सुन सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पैकिंग की। ईयरफोन की वायर को प्रॉपर फोल्ड कर एक छोटी सी रबर से कस दिया जाता है और फिर प्लास्टिक के बैग में पैक करके उसे एक गत्ते के बॉक्स या प्लास्टिक पाउच में पैक किया जाता है। इस बॉक्स या पाउच पर पहले से ही मेकिंग कंपनी का नाम, लोगो और ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन प्रिंट रहती है। इसके बाद ईयरफोन मार्केट में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2, मेकिंग प्रोसेस ऑफ मोबाइल फोन। दोस्तों, हमारे साथ में आया हुआ ये छोटा सा स्मार्टफोन बहुत सारे काम कर लेता है। बात करते हैं इसकी मेकिंग प्रोसेस की। लगभग 15 सेंटीमीटर के मोबाइल के भीतर कम से कम 60 से ज्यादा प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फिट किए जाते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल फोन का बेस तैयार करते हैं। इसके लिए एक एल्यूमिनियम की शीट लेते हैं और उसे मोबाइल फोन के साइज में अलग अलग कट कर लेते हैं। इसके बाद मशीनों की सहायता से मोबाइल फोन में फिट होने वाले दूसरे पार्ट्स के अकॉर्डिंग स्पेस और स्क्रू होल किए जाते हैं। इसके बाद इस शीट को CNC मशीन में बैठाकर इसके प्रॉपर शेप को फिनिशिंग टच देते हैं। फिर इसे पानी से धोकर साफ कर लेते हैं। इसके बाद तैयार करते हैं मोबाइल की टच स्क्रीन। टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए एक बड़े से ग्लास को छोटे छोटे साइज में काट लिया जाता है। फिर इस पर पॉलिश की जाती है। इसके बाद इस पर कोटिंग की जाती है और इसकी टच स्क्रीन रेडी है। टच LED स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। इसके सही होने पर इसे कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। वहां इसके चारों तरफ ग्लू लगाते हैं, फिर मोबाइल कवर से जोड़कर कन्वेयर बेल्ट के सहारे आगे भेज दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है मोबाइल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसे मोबाइल का हार्ट भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB की। PCB के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा भी फिट किया जाता है। प्रॉपर वर्किंग फंक्शंस के लिए सभी सर्किट बने हुए होते हैं। PCB में वाटर लेवल पेस्ट करते हैं। ये एक तरीके का स्टिकर होता है, जो मोबाइल के पानी में गिर जाने का सिग्नल देता है। दरअसल मोबाइल पानी में गिर जाए तो इस स्टिकर का कलर रेड हो जाता है। इससे सर्विस सेंटर वाले इंजीनियर को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि मोबाइल फोन में पानी चला गया है। इसके बाद PCB के बॉटम पर माइक लगाते हैं और टॉप पर स्पीकर लगाते हैं। इसके साथ ही इसमें वाइब्रेटर जोड़ा जाता है। अक्सर कॉल या कोई मैसेज आने पर मोबाइल इसी के जरिए वाइब्रेट हो जाता है। इसके बाद इसे LCD और टच स्क्रीन से जोड़ दिया जाता है। इसके साइड में वॉल्यूम और पावर बटन लगाते हैं, जिससे कि आप मोबाइल फोन को ऑन ऑफ करते हैं और वॉल्यूम बटन से मोबाइल का साउंड कम या ज्यादा करते हैं। इसके मिडिल में वाईफाई और GSM फिट करते हैं। इसी के सहारे आप मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। इसके बाद इस मिडिल हर्सम को असेंबल डिवाइस से जोड़ते हैं। इसके बाद बारी आती है मोबाइल की टेस्टिंग की। मोबाइल फोन को 200 से ज्यादा बार गिराकर टेस्ट किया जाता है।
इसके टच को टेस्ट करने के लिए कम से कम 10,000 बार टच किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि हर कंपनी मोबाइल के लिए कम से कम 1 साल की वारंटी जरूर देती है और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसका ग्राहक उसके मोबाइल सेट से कंफर्टेबल ना हो। तो सबसे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी की टेस्टिंग की जाती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी टेस्टिंग में पास होने के बाद उसकी LCD की टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद मल्टी टच माइक, स्पीकर, ग्रेविटी सेंसर, फ्रंट और बैक कैमरा की अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। सभी टेस्ट में पास होने के बाद मोबाइल फोन में मशीन के माध्यम से सारे स्क्रू फिट किए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है मोबाइल की पैकेजिंग की। इस रेडी मोबाइल पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर यानी IMEI नंबर पेस्ट किया जाता है। इसके बाद मोबाइल की असेंबलिंग कंप्लीट करते हैं और प्रॉपर पैकिंग के बाद इसे मार्केट में भेजा जाता है सेलिंग के लिए। नंबर 3, मोबाइल चार्जर मेकिंग प्रोसेस। मोबाइल में लगने वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत पड़ती है। इस चार्जर के बिना हमारा मोबाइल किसी काम का नहीं। इस इम्पोर्टेंट मोबाइल एसेसरीज को बनाने के लिए सबसे पहले इसका कवर बनाया जाता है। इसे प्लास्टिक का दाना, HDTE और पॉलीमर से बनाते हैं। इन सभी को मिलाकर एक मशीन में डालते हैं और इनका एक पेस्ट बनता है जो मोल्डिंग मशीन में आता है। इसके बाद उस पेस्ट से चार्जर की शेप में चार्जर का कवर बनता है। इसके बाद तैयार किया जाता है चार्जर के अंदर का भाग। इसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए प्लग लगाते हैं, फिर सर्किट प्लेट बनाते हैं। सर्किट प्लेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक सीट पर सर्किट की सभी वायर की प्रिंट मशीन के माध्यम से उसमें प्रिंट की जाती है। फिर एक कन्वेयर बेल्ट से इलेक्ट्रिक शीट को आगे भेजते हैं जो उस मशीन में वायर को सर्किट के अकॉर्डिंग फिट कर देती है। इसके बाद इसमें कैपेसिटर और इनपुट आउटपुट फिट किए जाते हैं। इसमें हाथ से UPS पोर्ट की सोल्डरिंग करते हैं। सबसे आखिरी में सर्किट चार्जर कवर के अंदर फिट की जाती है। चार्जिंग केबल, प्लग और पिन को भी फिट किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक मशीन की मदद से चार्जिंग कवर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना नाम और लोगो लगाती है। इसके बाद इसे पैक कर मार्केट में सेलिंग के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, ये थी मोबाइल और उसके एसेसरीज की मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं आने वाले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।